हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो टूडेज वीडियो इज अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट सो आई वाज़ रिसीविंग मेनी कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू हैव अ वीडियो ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसमें डिस्कस करने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स एम कॉम के हैं जो स्टूडेंट्स बैफ के हैं जो स्टूडेंट्स सी एम ए के हैं जो स्टूडेंट्स एन टी ए नेटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम एफ एम का जो बेसिक्स है उसके बारे में बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अबाउट इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर सब्जेक्ट को ध्यान से देखें आप तो इसमें दो वर्ड्स हैं वन इज फाइनेंशियल एंड अनदर इज मैनेजमेंट मतलब यहां पे हम एक चीज देख सकते हैं कि मैनेजमेंट करना अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है हम पैसे का मैनेजमेंट करेंगे वी आर गोइंग टू मैनेज द फंड्स वी आर गोइंग टू मैनेज द मनी एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरीबडी नोज वॉट इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजिंग द मैन टैक्टफुली तो वी आर मैनेजिंग द मैन टैक्टफुली सिमिलरली वी आर गोइंग टू मैनेज द फंड ओवर हियर प्रॉपरली इन अस्टमेटिक manner. अब किस तरीके से ये फंड्स को मैनेज किया जाता है द पर्सन हु इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फंड इज द फाइनेंस मैनेजर तो वो कैसे सब कुछ करता है वो सारी चीजें हम लोग यहां पे सीखेंगे तो वॉट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सिंपल चीज में अगर देखें तो पैसे की मैनेजमेंट करना जो भी आपके पास फंड्स अवेलेबल है जो भी आपके पास मनी अवेलेबल है उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे ताकि आपका जो आर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बढ़े उसके लिए स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजिकली डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं कि कहाँ पे हम फंड्स लगाएंगे तो कहाँ से हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली प्लानिंग करना है ऑर्गेनाइजिंग करना है जो भी आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस थे सारे के सारे फंक्शन्स हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगे लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पैसे का मैनेजमेंट सीखेंगे कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे वेल्थ के ऊपर क्या होगा मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा अभी वेल्थ वेल्थ का यहाँ पे मतलब होता है हमारे जो शेयर होल्डर्स है तो शेयर होल्डर्स कितना सेटिस्फाइड होंगे हम उनकी जो वेल्थ होगी उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वो सारी चीजें मतलब दो ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना तो यहाँ पे कुछ मैंने थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल uh, सेंटेंस में यहाँ पर डाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग करना ऑर्गेनाइजिंग करना ठीक है डायरेक्टिंग करना कंट्रोलिंग करना ऑफ वॉट ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज जितने भी आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगा उसका सिस्टमैटिकली एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना कि कहाँ से फंड्स आएंगे और कहाँ पे फंड्स को हम लगाएंगे ऑल दिस पॉइंट्स आर बीन कवर्ड अंडर दिस कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो सिंपल मीनिंग क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पैसे की मैनेजमेंट करना दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है और जो पर्सन होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो करने वाला पर्सन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उसे हम क्या बोलेंगे इज अ फाइनेंशियल मैनेजर तो अभी हम पहले पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्यों सीख रहे हैं बिकॉज वॉट हैपन्स एवरी ईयर यू आर लर्निंग डिफरेंट 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 अकाउंट्स तो सबसे पहले आपने अकाउंटिंग पढ़ा था जब आप इलेवेंथ स्टैंडर्ड में आए तब आपने अकाउंटिंग पढ़ा तो अकाउंटिंग के बहुत सारे कंसेप्ट आपने पढ़े अकाउंटिंग से रिलेटेड उस, उसमें क्या करते थे हम वी यूज़ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन वी यूज़ टू कैलकुलेट द प्रोफिट वी यूज़ टू डू रेशो एनालिसिस फिर उसमें आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऐसी दो चीज़ें उसमें पढ़ी है ठीक है फिर हमारा अगला सब्जेक्ट आता है कॉस्टिंग का कॉस्टिंग में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी कॉस्टिंग में आपने पढ़ा कि हाउ टू प्रिपेयर दी कॉस्ट शीट हाउ टू डिटरमाइन अ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट देन यू स्टडी द कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट एनालिसिस कॉस्ट रिडक्शन ए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत सारे कंसेप्ट आपने कॉस्टिंग में पढ़े हैं ठीक है सो सिंस यू हैव लर्न अकाउंटेंसी यू हैव लर्न कॉस्टिंग वॉट वॉज द इंटेंशन बिहाइंड दिस सब्जेक्ट फिर एक सब्जेक्ट आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता क्या है हम पैसे की मैनेजमेंट करते हैं ठीक है सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली पैसे की मैनेजमेंट करना है और अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं समझो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस बार डिविडेंड ट्वेल्व परसेंट दूंगा लास्ट ईयर मैंने टेन परसेंट डिविडेंट दिया था इस बार आई विल बी प्रोवाइडिंग ट्वेल्व परसेंट डिविडेंट टू तो माई शेयर होल्डर्स तो ऐसे ही मैं डिसाइड नहीं कर सकता उसके लिए मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट हमारे वेल्थ के ऊपर क्या हो रहा है तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ठीक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक कंसेप्ट है तो हम आगे जब मैं वीडियोस डालूंगा उसमें हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है वो भी मैं आपको वहां पे डिटेल बताऊंगा ठीक है अब थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान से समझते हैं कि क्या पॉइंट है देखो कोई भी कोई भी जो फाइनेंशियल मैनेजर है फाइनेंशियल मैनेजर वो थ्री एस पे कॉन्सेंट्रेट करता है ट्री एस पे ठीक है पहला है एक्विजिशन, सेकंड है एलोकेशन और थर्ड है अप्रोप्रिएशन तो एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर जो है ही कॉन्सेंट्रेट ऑन थ्री एज एक्विजिशन करना सेकेंड है एलोकेशन करना और थर्ड है हमारा एप्रोप्रिएशन का ठीक है एक्विजिशन का मतलब हम कहां, -कहां से फंड्स को एक्वायर करेंगे एलोकेशन का मतलब हम कहाँ फंड्स को इन्वेस्टमेंट करेंगे और एप्रोप्रिएशन का मतलब हम कितना पैसा हमारे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो थ्री टाइप्स के डिसीजन लेता है ठीक है ये एक्विजिशन एलोकेशन और अप्रोप्रिएशन को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फाइनेंसिंग डिसीशन इन्वेस्टिंग डिसीशन एंड डिविडेंट डिसीशन तो कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर है वो हमेशा थ्री एज पे कॉन्सेंट्रेट करता है एक्विजीशन ऑफ फंड एक्विजीशन ऑफ फंड का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड ठीक है अगर हम अरेंजमेंट ऑफ फंड्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है तो उसमें से एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी का कॉस्ट कितना प्रेफरेंस का कॉस्ट कितना ठीक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर एक चैप्टर है कॉल्ड एस कैपिटल स्ट्रक्चर एंड देन वी आर डूइंग लिवरेज एनालिसिस एनालिसिस एलोकेशन की अगर बात करें तो यहां पे आप कहां से कहां पे फंड्स को एलोकेट करोगे यहां पे एक चैप्टर पढ़ोगे आप कैपिटल बजटिंग एंड शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे आप चैप्टर पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अप्रोप्रिएशन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल है डिविडेंट के जो डिसीशंस है वो यहाँ पे लिए जाते हैं डिविडेंट डिसीशंस एंड वी हैव वॉल्टर्स मॉडल वी हैव गॉर्डन मॉडल वी हैव एमएम थ्योरी कॉल्ड एस मॉडिग्लिनी एंड मिलर अप्रोच ये सारे पॉइंट्स इसमें अवेलेबल है तो थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करवाता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा थ्री एस पे कॉन्सेंट्रेट करता है वन इज कॉल्ड एज एक्विजिशन फंड्स से हम अरेंज करेंगे सेकेंड इज एलोकेशन हम फंड्स को फंड लगाएंगे और थर्ड इज अप्रोप्रिएशन जितना भी रिटर्न होगा उससे हम कितना परसेंट डिविडेंड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो ये पॉइंट हमने अभी पढ़ लिया है नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं ई डिसीशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो फर्स्ट डिसीशंस है इन्वेस्टमेंट डिसीशन जो मैंने अभी आपको बताया इन्वेस्टमेंट डिसीशंस में हम क्या करेंगे हम कैपिटल बजटिंग करेंगे मतलब हमने जितना भी फंड है हमारा वो हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले है? अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो उसके लिए एक चैप्टर आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उसके लिए काफी सारे प्रोविजन है काफी सारे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है कैपिटल बजटिंग जब करवाऊंगा तब आपको और डिटेल में समझ आएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस तो वॉट एवर फंड्स वी आर इन्वेस्टिंग वो फाइनेंसिंग डिसीजंस में क्या होता है कि फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा मतलब कहाँ कहाँ से हम पैसे लाएंगे क्या हम इक्विटी को इशू करेंगे क्या हम प्रेफरेंस को इशू करेंगे या हम डिबेंचर्स uh, को इशू करेंगे कहीं लोन लेंगे बेसिकली ऑल दिस पॉइंट्स इसके लिए एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा हमें दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर तो कॉम्बिनेशन देखना है कि सिक्सटी परसेंट वी आर गोइंग विद इक्विटी फोर्टी परसेंट हम बॉर्डर फंड्स को यूज़ कर रहे हैं फोर्टी परसेंट हम बॉर्डर फंड्स को यूज़ कर रहे हैं सिक्सटी परसेंट हम इक्विटी को यूज़ कर रहे हैं दिस इज ऑल नथिंग बट दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर तो यह सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे और लास्ट हमारा है डिविडेंट डिसूट अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंट विल बी क्लियरली स्टडीड इन दिस चैप्टर दे आर एन नंबर ऑफ कंसेप्ट ओवर हियर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दैट इन मच डिटेल एंड दैट रिलेट्स विदर्स गॉर्डन मॉडल एम एम अप्रोच मॉडिलनी मिलर अप्रोच किस तरीके से कितना परसेंटेज डिविडेंड देने की वजह से कंपनी के उस ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो की डिसीशंस है वो तीन है नंबर वन इज़ इन्वेस्टिंग डिसीशंस नंबर सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीशंस एंड नंबर थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन ओके थैंक यू वेरी मच तो ये था हमारा बेसिक्स जो हॉबी हमने पढ़ा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसे की मैनेजमेंट करना होता है ठीक है पैसे की मैनेजमेंट कौन करता है फाइनेंशियल मैनेजर करता है फाइनेंशियल मैनेजर थ्री एस पे कॉन्सेंट्रेट करता है एक्विजिशन एलोकेशन एंड अप्रोप्रिएट फाइन और उसके बाद हमने पढ़ा कि वो कितने टाइप्स के डिसीजंस लेता है तीन टाइप के डिसीजन लेता है इन्वेस्टिंग डिसीजंस फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड टीविडेंट डिसंस ओके दैट्स एड तो दैट्स एड फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स भी इसको शेयर कर लें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहता हूँ थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे थैंक यू एज ऑलवेज वर्क हार्डर पी स्मार्टर